सत्तासी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अधिवेशन का समापन, क्षत्रिय बोर्ड बनाने की उठी मांग, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को नवाजा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, वैशाली नगर स्थित शिवकुंज गार्डन में दो दिनों से चल रहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अधिवेशन का समापन हुआ। संस्थापक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर उनकी पत्नी को नवाजा गया। 26 क्षत्रिय रत्नों को भी समाज का नाम रोशन करने पर नवाजा गया। साथ ही अधिवेशन में क्षत्रिय बोर्ड बनाने की मांग भी रखी गई। EWS के 11% से बढ़ाकर 14% किया जाए। राजनीति में भी उनका नेतृत्व ज्यादा से ज्यादा की मांग रखी गई। 5 बच्चियों का विवाह करवाने की भी उन्होंने संकल्प लिया। आज के हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के क्षत्रिय रत्न अवार्ड फंक्शन में हमने 27 प्रतिष्ठित भिन्न भिन्न क्षेत्रों से काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया और 40 ऐसे संगठन हैं जो कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर वो राजस्थान में काम कर रहे हैं और अलग अलग देश में भी काम कर रहे हैं, उनको हमने सम्मानित किया। सर, आगे की रणनीति किस तरीके से तय की गई है इस प्रोग्राम के जरिए से, आगे क्या क्या काम समाज के लिए किए? आगे के लिए हमने तय किया है कि हम एक तो बेरोजगारी के लिए अपना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पोर्टल बनाएंगे और गरीब कन्याओं की हम शादी करने के लिए कुछ हमने संख्या रखी है, अभी शुरू में 5 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी करवाएंगे और गरीब बच्चों की जितना भी उसके उसकी कोई यदि वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है उसके लिए हम। आज का जो कार्यक्रम है वो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए क्षत्रिय विभूतियों को 26 क्षत्रिय रत्न अवार्ड दे रहे हैं और दे दिए हैं। और इसके अलावा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत श्री अमर सिंह जी भदौरिया को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। हम उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस संगठन को काफ़ी लंबे समय तक अथक प्रयासों से सेवा करते हुए और एक एक क्षत्रिय के घर तक संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका आभारी हैं और सदैव वो हमारी स्मृति में याद रहेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। उसमें सब सुधारों के लिए आरक्षण किया गया है, उसमें केंद्र सरकार ने 3 शर्तें रखी हुई है। एक इनकम की है 8 लाख तक की, दूसरा एक उसमें जमीन का है और एक प्लॉट साइज का। तो हमारा सबका ये है कि इसमें जो जमीन और प्लॉट है उसको ख़त्म किया जाए, खाली एक उसमें इनकम का सोर्स रखा जाए। जैसे OBC में है, SC में, सब में खाली एक इनकम का सोर्स, इसकी जगह पे सिर्फ इनकम का ही रखा जाए। और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्लॉट और ज़मीन की शर्त हटा दी है, ऐसी चीज़ हटाई जाए। और हमारे EWS के जो भी इसके लिए हैं तो उनको सर्टिफिकेट लेने में बड़ी परेशानी आती है, उनको हर साल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसकी जगह जैसे OBC और SC ST के लिए जो प्रावधान है वही प्रावधान इसमें भी चालू किए जाए कि हमारा इसके लिए हमारा संगठन लड़ाई लड़ेगा और हम इसके लिए भेज रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ आपके साथ। पहले राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अभी मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजस्थान प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी हुई है। क्षत्रिय रत्न अवार्ड हम 2017 से दे रहे हैं। मैं जब यहाँ अध्यक्ष था राजस्थान का, तो उस वक्त हमने राजस्थान की 11 विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को 11 क्षत्रिय रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब हमने वो संख्या, जैसा हमारे इसके अध्यक्ष ने बताया, 26 कर दी है। अभी 26 हो रहा है, आइंदा हर साल हम ये क्षत्रिय रत्न अवार्ड, इससे हम क्षत्रिय प्रतिभाएं जो किसी भी क्षेत्र की हों, पूरे भारत की कहीं की भी हों, हम उनको चाहते हैं। हमारी ये कमेटी तय करती है और जो ऊपर सबसे होते हैं उनको ही देने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि इन प्रतिभाओं को सम्मान देकर हम एक एग्जाम्पल रखें दूसरों के लिए और वो उससे प्रेरित होकर हमारी समाज की बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों वो आगे जाएं। इसी संदर्भ में जैसा वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कह चुके हैं, लेकिन मैं एक बात जो रह गई है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो इससे संबंधित ही हैं। आज ये
अधिवेशन केवल सम्मान के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार के लिए हमने कल तय किया है। एक तो जैसे दूसरे समाजों के लिए जो कल्याण बोर्ड बन रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं अच्छा प्रशासन से, लेकिन हमारी मांग है और पुरजोर डिमांड है ये कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड भी शीघ्र गठित होना चाहिए। अगर क्षत्रिय गठित होता है कल्याण बोर्ड, हम स्वागत करेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो हमें चाहे इसके लिए और दूसरा भी प्रयास करना पड़े, चाहे सड़क पर उतरना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन शीघ्रातिशीघ्र ये सरकार करे, एक बात। सेकंड बात, प्रताप जयंती पर अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं है। हमारी ये भी डिमांड है कि प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा ये सरकार करे। जैसा सामने बता सकता है वो पूरी पुनरावृत्ति है कि EWS आरक्षण जो 11% है अभी, उसको 14% किया जाए। सारे संगठनों की डिमांड है, उसमें हमारा भी समर्थन है, और इसके लिए आगे जाके अगर और आंदोलन कर। आपका नाम बता दीजिए। उमेद सिंह शेखावत, पूर्व अध्यक्ष। और